टू स्टॉक्स टू वॉच पोस्ट यूनियन बजट 2021 इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो ये दो जो स्टॉक्स है इनके फाइनेंशियल्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखे हुए हैं तो जरूर चेक कर कीजिएगा दोस्तों देन नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे करना है ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा विल ट्राई एंड टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक दो आई नो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल आर रिक्वेस्टिंग अ वीडियो ऑन टाटा पावर तो वो वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ एंड वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों वन पॉइंट फाइव सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमारा इस चैनल पर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी So, कौन से ये दो स्टॉक इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं दोस्तों सो so, फर्स्ट जो स्टॉक है वो रिलेटेड है कैपिटल uh, एक्सपेंडिचर से जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर पे है लास्ट ईयर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था गवर्नमेंट ने वो था 4.39 लाख करोड़ रुपीज का और इस साल ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो है 5.54 लाख करोड़ रुपीज तो 34.5 परसेंट का ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता क्या है सो ये होता है लॉन्ग टर्म के एसेट्स का बिल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे कि रोड्स है रेलवेज है पोर्ट्स है तो ये जो एसेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड करता है उसकी वजह से बहुत सारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट होता है अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच हो सकता है कि भाई शॉर्ट टर्म में लोगों के हाथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि कैश ट्रांसफर करने हैं बट उससे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका हो सकता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंजम्पन ग्रो हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उसके थ्रू पैसा कमाया जाएगा और उसके बाद अगर कंजम्पशन होगा तो ये ज्यादा सस्टेनेबल होता है एंड दैट्स वाई दिस ईयर्स बजेट इज फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए सीमेंट तो ये सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट सेक्टर में अच्छे खासे प्राइसेस भी ये सारी कंपनीज़ ने बढ़ाए थे तो उसकी वजह से भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आ रही है दो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो बढ़ने की वजह से उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए थे बट अभी रॉ मटेरियल जो लगता है सीमेंट के लिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से Uh, जो प्रॉफिटेबिलिटी है इन कंपनीज की वो भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है सो दैट्स वाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर फर्स्ट पिक इज अल्ट्राटेक सीमेंट दो जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक बार ये सारे थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट जब आउट हो जाएंगे तो हम आपके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर का तो वो भी काफी आपको हेल्प कर सकता है बट

यस एच बैंक के बारे में ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं इनका अगर करंट मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिक्सटीएसेंट स्टोव पांच से दस सालों में पिक्चर कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी प्राइवेट सेक्टर जहां पे एच डी एफ सी बैंक इज द लीडर एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू है लीडर विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉगर ये से एक चीज तो समझ में आ गई कि जो स्ट्रांग है वो और ज्यादा बन रहा है जो वीक है वो और ज्यादा वीकर बन रहा है एंड बिकॉज कैपिटल रेजिंग की जो कैपेसिटी है एनपीए प्रेशर हैंडल करने की जो कैपेसिटी है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज जिसके ज्यादा है आई थिंक वो बैंक्स काफी लॉन्ग टर्म में अच्छे चल सकते हैं एंड दैट्स वाई तो आपका बैंकिंग सेक्टर में जब बैंक ये एक स्टॉक है जो आपकी रडार पे होना चाहिए इस स्टॉक के भी जो फाइनेंशियल्स के डिटेल्स है वो हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट इंडिया डॉट इन पर अवेलेबल है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है तो ये दो स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है रडार पे ये स्टॉक्स रखने चाहिए दोनों जो सेक्टर है इनका क्वांटिटिव एनालिसिस एक बार सारे रिजल्ट आउट होने के बाद जल्दी हम हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए लॉन्च करने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर आप लोग इन्वेस्ट डॉट इन को विजिट करके वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आपके कुछ क्वेरीज है हमारे रिसर्च प्रोडक्ट के रिलेटेड बिफोर बाइक तो वो भी आप हमें कॉल करके ईमेल लिख के वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हो सो so ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रही और नेक्स्ट वीडियो तक लिए के मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों जय हिंद